जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत ही कम सामग्री में बनने वाले इंस्टेंट कोकोनट लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 कप ड्राई कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ही घी लिया है क्योंकि नारियल के बुरादे में अपना खुद का भी ऑयल होता है, तो इतना घी काफी है। तो इसको लगातार चलाते हुए इस प्रकार से भून लेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखना है। हमें इसको 3-4 मिनट के लिए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसी प्रकार से चलाते हुए भून लेना है। अब इसका कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है। अब इसको इतना ही फ्राई करना है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर 1 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब नारियल पाउडर और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। कंडेंस मिल्क डालने के बाद में हम इसको मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए और पका लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस प्रकार से फैलाकर इसको हल्का ठंडा कर लेंगे। लड्डू का मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, यानी हम हाथ से इसको छू पा रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा पोर्शन लेकर, यानी जिस आकार के हमें लड्डू बनाने हैं, लेकर हाथों के बीच में ऐसे थोड़े दबाते हुए घुमा लेंगे और लड्डू का शेप दे देंगे। लड्डू बना लेंगे और बनाकर इसको नारियल के बुरादे में यानी ड्राई कोकोनट पाउडर में डस्ट कर लेंगे। इस प्रकार डस्ट करने से ये दिखने में और भी सुंदर लगेंगे और इसी प्रकार से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे इंस्टेंट कोकोनट लड्डू तैयार हैं, जो बहुत ही कम सामग्री और कम समय में बनकर तैयार हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल कुक हेल्दी को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।